दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कैसे आप अपने बैंक खाता में अपना मोबाइल नंबर लिंक करेंगे। अगर आपके बैंक खाता में कोई भी मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल है। इस वीडियो को देखकर आसानी से आप अपने बैंक खाता में अपना मोबाइल नंबर लिंक कर पाएंगे। उसके साथ साथ अगर आप ये चेक करना चाहते हैं कि आपके बैंक खाता में कौन सा मोबाइल नंबर पहले से लिंक है तो यह भी आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा, तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों सबसे पहले हमें यह चेक करना कि हमारे बैंक खाता में कोई मोबाइल नंबर पहले से लिंक है या फिर नहीं। वह चेक करने के लिए आपको अपने डिवाइस में गूगल को ओपन करना है और यहाँ पर टाइप करना है PFMS। ये जैसे आप लिखकर सर्च करते हैं यहाँ पर PFMS का लिंक आ जाता है, जिसके ऊपर आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है। इसे ओपन करेंगे तो पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको नो योर पेमेंट दिखाई देगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। इस पे जैसे आप क्लिक करते हैं आपके सामने एक छोटा सा फॉर्म आ जाता है। अब इस फॉर्म को आपको भरना है, जिसमें सिंपली आपको अपना जो बैंक का नेम है वो यहाँ पर टाइप करना है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी बैंक का नाम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर लेना है। नीचे दोस्तों आपको अपना अकाउंट नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपका अकाउंट है, और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना अकाउंट नंबर दोबारा से डाल के इसे कंफर्म कर लेना है। दो बार यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद ये जो कैप्चा दिया गया है इसे आपको यहाँ पर डाल लेना है पूरा सही सही। जैसे दोस्तों आप ये कैप्चा डाल लेते हो, उसके बाद आपको यहाँ पर सेंड OTP के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं ना, आपके सामने दोस्तों आपका मोबाइल नंबर शो हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। पूरा मोबाइल नंबर शो नहीं होता है, स्टार्टिंग के 2 अंक और लास्ट के 3 अंक यहाँ पर दिखाई जाते हैं, जिससे आपको पता लगाना होता है कि यही दोस्तों आपका मोबाइल नंबर है। अगर ये आपका मोबाइल नंबर नहीं है या फिर यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर शो ही नहीं होता, नॉट रिकॉर्ड फाउंड बताता है, तो ऐसे में आपको कैसे अपने बैंक खाता से मोबाइल नंबर लिंक करना है, आइए उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। चेक करने के बाद दोस्तों अगर वहां पर कोई भी मोबाइल नंबर शो नहीं हो रहा है तो ऐसे में आपको अपने बैंक खाता के साथ अपना मोबाइल नंबर लिंक करना जरूरी है। अब कैसे आप लिंक करेंगे उसके बारे में जान लीजिए। दोस्तों देखो, चाहे आपका खाता किसी भी बैंक में हो, आप घर बैठे मोबाइल नंबर को लिंक नहीं करा सकते अपने बैंक अकाउंट में। तो ऐसे में आपको क्या करना होगा मैं आपको बताता हूँ। आपको अपने बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। वहां पर दोस्तों आपको इस टाइप का एक फॉर्म मिलेगा, जिसमें दोस्तों आप मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह अपडेट करा सकते हैं। तो आपको यही फॉर्म को डाउनलोड करना है। अब इस फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद पूरा का पूरा फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद बस आपको अपने बैंक खाता जहां पर भी है, जिस भी ब्रांच में है, वहां पर जाके आपको जमा कर देना है। जैसे आप जमा कर देंगे 2 से 3 दिनों के अंदर या फिर कई कई बैंकों में तो 24 घंटे के अंदर ही बैंक खाता के साथ मोबाइल नंबर लिंक हो जाता है। अगर आपको यह फॉर्म नहीं मिलता है तो ऐसे में आपको टेंशन नहीं लेना है, आप डायरेक्ट बैंक जाएंगे, ब्रांच में जाएंगे ना, तो वहां पर भी दोस्तों आपको यह फॉर्म मिल जाता है। तो यह काफी इजी है, आपको इसके लिए ब्रांच में ही जाना पड़ता है। ऑनलाइन दोस्तों हम बैंक खाता के साथ मोबाइल नंबर लिंक नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।